खबर है यूपी के बरेली से, जहां भारी मात्रा में नशीला पदार्थ हुआ बरामद और दो लोग हुए गिरफ्तार। बताया यह जा रहा है कि मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने एक मकान में छापामार करते हुए डोडा से डोडा पाउडर बना रहे दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मौके से पुलिस ने अन्य नशीला पदार्थ भी बरामद किया। आपको बता दें, यह पूरा मामला कैंट थाना क्षेत्र के कांधरपुरा से बारी नगला जाने वाले मार्ग पर मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस अधिकारियों और पुलिस टीम ने मुखबिर को साथ लेकर एक मकान पर छापामार कर की कार्रवाई और तलाशी अभियान के दौरान मकान के ऊपरी मंजिल पर लगी स्टील की एक मशीन से डोडा पाउडर बना रहे भमोरा थाना के गांव देवचरा निवासी सुरेंद्र शर्मा और बदायूं के बिनावर थाने के गांव गोहरपुरा निवासी किशन पुत्र मटरू सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां मकान की तलाशी के दौरान पुलिस को मौके से प्लास्टिक के साथ कट्टों से भरा एक कुंटल 20 किलो 100 ग्राम डोडा पाउडर, 6 कट्टों में 45 किलो 700 ग्राम डोडा और 160 ग्राम अफीम भी बरामद की। वहीं पुलिस ने मकान में खड़ा डीसीएम ट्रक, एक मोटरसाइकिल और एक कार भी कब्जे में ले लिया। बताया यह जाता है कि गिरफ्तार किए गए दोनों अभियुक्त डोडा को पीस कर उसका डोडा पाउडर बनाते हैं, तैयार डोडा पाउडर को नशा करने वाले हाथों में बेचते हैं। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया और उनके अन्य साथियों की भी तलाश शुरू कर दी है। सूचना मिली कि कांधरपुर से बाहरी नगला की तरफ जाने वाले रास्ते पे एक मकान है जिसमें कुछ लोग डोडा बेचने का काम कर रहे हैं। सूचना पर यकीन करते हुए सीओ सिटी फर्स्ट और कैंट के द्वारा एक टीम का निर्माण किया गया। टीम के साथ सीओ सिटी फर्स्ट कैंट और उनकी पूरी टीम मौके पर पहुंची। मौके पर जाकर मुखबिर के द्वारा ये बताया गया कि ये घर है, वो इतना कठोर मुखबिर वहाँ से खोला गया, घर का दरवाज़ा खोला गया। दरवाज़ा खोलने के बाद में पुलिस जब गई तो घर के दूसरी मंजिल पर कुछ लोग डोडा पिसाई का काम कर रहे थे। पिसाई के दौरान दो लोगों को पुलिस हिरासत में लिया। मौके से एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। जो दो व्यक्ति मौके पर गिरफ्तार हुआ है उससे पूछताछ की गई, उसमें से एक व्यक्ति ने अपना नाम सुरेंद्र सर्व राम स्वरूप शर्मा देवचरा थाना भमौरा जनपद बरेली बताया। दूसरा व्यक्ति जिसका नाम किशन सर्व मटरूसी थाना बिनावर जनपद बदायूं बताया। तीसरा व्यक्ति जो भागने में सफल रहा है उसके बारे में इन दोनों व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है कि वो व्यक्ति कौन था, कहाँ का रहने वाला था, इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। वहाँ से जो सामान बरामद हुई है उसका विवरण इस प्रकार है। 7 कट्टे में 100 केजी और मतलब 1 कुंटल 20 केजी 100 ग्राम डोडा पाउडर, 6 प्लास्टिक के कट्टे में 45 केजी 700 ग्राम डोडा, 160 ग्राम अफीम, 1 मशीन जो डोडा पीसने के काम में प्रयुक्त होती थी, 2 बड़े स्पीकर 12,700 रुपये, 1 डीसीएम, 1 कार और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दोनों अभियुक्तों को थाना कैंट पर लाया गया। इस संदर्भ में थाना कैंट पर एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इसका FIR संख्या 162/21/8/15/8/15/18 इंडी केस के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों लोगों को देख भेजा जा रहा है। इनसे गहन पूछताछ की जा रही है कि सप्लाई और डिमांड चेन कहाँ कहाँ से होता था, कहाँ से हम फेरे लाते थे और फिनिश प्रोडक्ट करके कहाँ और किसको बेचते थे, इसके बारे में गहन पूछताछ की जा रही है। शहर और देहात के सभी थानों से स्थानीय अधिसूचना इकाई एवं हमारे जो मुखबिर हैं उनसे पता लगाया जा रहा है। इस गतिविधि में कहीं का नुकसान है और इसके पूरे प्रकरण का राजभाष और भी हम इसी तरीके से करने में लगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।